प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्वांट म्यूचुअल फंड्स में जिस बात का डर था वही हुआ ना। फिलहाल आप लोग के काफ़ी सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में चेक करेंगे कि क्या सही में अंडर परफॉर्मेंस है। अगर अंडर परफॉर्मेंस है तो कितने पीरियड का अंडर परफॉर्मेंस है और यहाँ पे इन्वेस्टर्स का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। लास्ट वन मंथ का अगर आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का रिटर्न चेक करेंगे तो सारे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में सिर्फ 16 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसे हैं जो कि नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, और उन 16 स्कीम्स में 8 स्कीम्स क्वांट म्यूचुअल फंड्स के हैं। और यहाँ पे सिर्फ मैं डाइवर्सिफाइड फंड्स की बात बोल रहा हूँ, मैं सेक्टर फंड्स या थीमेटिक फंड्स की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं हाइब्रिड फंड्स की बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस वहाँ भी आया है। और सबसे बड़ी बात ये जो 16 फंड्स के बारे में आपको बता रहा हूँ जहाँ अंडर परफॉर्मेंस आया है लाइक नेगेटिव रिटर्न लास्ट वन मंथ में, उसमें जो टॉप 8 स्कीम्स हैं अंडर परफॉर्मेंस वाइज वो क्वांट के हैं। वीडियो को वॉच करने के दौरान अगर कोई भी वैल्यू एडिशन हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे उन सारे इक्विटी फंड्स का आप डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने लास्ट वन ईयर में निगेटिव रिटर्न दिया है। तो देखिए टॉप पे कौन से स्कीम्स है, यहाँ पे देखिए टॉप के स्कीम्स सभी कुछ क्वांट का है। सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस रहा है ELSS टैक्स सेवर फंड का, 1% से भी ज़्यादा गिरा है लास्ट वन मंथ में। यहाँ पे आपको वैल्यू फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, फोकस्ड फंड, एक्टिव फंड और लार्ज एंड मिड कैप फंड मिल जाएंगे। और नीचे दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी हैं जिन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया है। यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप 5 ईयर का परफॉर्मेंस चेक करेंगे ना, तो ये जो ब्लू कलर है ये क्वांट एक्टिव फंड का रिटर्न है ऊपर का, और BSE 500 है ग्रीन कलर, और नीचे ब्राउन कलर में मल्टी कैप इक्विटी मल्टी कैप का रिटर्न है, एवरेज रिटर्न कैटेगरी का। तो देखिए 5 ईयर में तो सभी जगह आपको ब्लू कलर ही दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कोविड के बाद से इनका परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है ना मोस्टली क्वांट के फंड्स का, इसीलिए कोविड के बाद से अगर आप देखेंगे लगातार ऊपर आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म में तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, 1 ईयर में भी देखिए परफॉर्मेंस आपको बुरा नहीं लगे, लेकिन जब आप 3 मंथ्स में जाएंगे, अब देखिए ब्लू कलर कहाँ जा रहा है, पूरा नीचे जा चुका है। यहाँ पे क्वांट ELSS टैक्स सेवर का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो 5 ईयर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ भी अगेन कोविड के बाद देखिए ब्लू कलर कहाँ पे जा चुका है, ह्यूज रिटर्न्स। एंड फिर अगर आप रीसेंट टाइम्स में जाएंगे 3 मंथ्स देखिए बिल्कुल डाउन हो गया ब्लू कलर का लाइन, 1 मंथ देखिए बिल्कुल डाउन है। तो जो अंडर परफॉर्मेंस आया है वो बिल्कुल रीसेंट टाइम्स का आया है, 1 मंथ 3 मंथ के पीरियड का। 6 मंथ्स में देखेंगे ना, तो 6 मंथ्स में उस तरह का अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, अगेन ब्लू कलर चेक कीजिए, 5 ईयर्स का देखिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कोविड के बाद से। 1 ईयर का देखेंगे तो यहाँ भी परफॉर्मेंस आपको ठीक लगेगा, लेकिन जैसे ही आप 6 मंथ्स जाएंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा आपको डाउन दिखने लगेगा रिसेंट टाइम्स में। 3 मंथ्स में क्लियरली आपको पता चलेगा कि अंडर परफॉर्मेंस है, ब्लू कलर बिल्कुल डाउन है। क्वांट स्मॉल कैप का 1 मंथ का जब परफॉर्मेंस चेक करते हैं ना, तो वैसा अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा, इसका परफॉर्मेंस ठीक है। क्वांट स्मॉल कैप फंड जो कि क्वांट म्यूचुअल फंड का AUM वाइज सबसे बड़ा स्कीम है, एटलीस्ट वहां पे लास्ट 1 मंथ में पॉजिटिव रिटर्न आया है। तो अभी डाइवर्सिफाइड फंड्स का शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस तो हमने चेक कर लिया, अब हम हाइब्रिड फंड और सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सबसे ज़्यादा ना निगेटिव रिटर्न आया है क्वांट के जितने फंड्स हैं उसमें, -3.51%। उसके बाद क्वांट एब्सोल्यूट फंड का -1.62% और क्वांटामेंटल फंड का -1.5% और PSU फंड का -1.27%। अब जान लेते हैं कि क्वांट में वो कौन से स्कीम्स हैं जिनका रिटर्न्स रिलेटिवली ज़्यादा आया है लास्ट 1 मंथ में। तो बेस्ट परफॉर्मेंस है हेल्थ केयर फंड का, 6.32% लास्ट 1 मंथ में रिटर्न आया, ह्यूज रिटर्न्स। बिजनेस साइकिल फंड का रिटर्न है 3.28%, कमोडिटीज फंड का रिटर्न है 3.21% और मैन्युफैक्चरिंग फंड का लास्ट 1 मंथ का रिटर्न है 1.88%। तो देखिए अभी जो भी रिटर्न्स हमने चेक किया वो शॉर्ट टर्म का रिटर्न है। तो अब हम सारे फंड्स का मतलब डाइवर्सिफाइड फंड, सेक्टर और थीमेटिक फंड और हाइब्रिड फंड्स का लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्वांट के सारे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न।
तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा फंड नहीं मिलेगा जो कि किसी भी होराइजन में अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न जनरेट कर रहा है। सारे फंड्स का आप परफॉर्मेंस चेक कर लें बेंचमार्क वाइज, कहीं कोई अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए सेक्टर और थीमेटिक फंड्स का परफॉर्मेंस, यहाँ भी आपको कोई भी स्कीम ऐसा नहीं मिलेगा जो कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। सभी जगह आपको अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं। और यहाँ पे हाइब्रिड फंड्स का ही परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं आप। देखिए एब्सोल्यूट फंड होता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, और मल्टी एसेट तो आपको पता है डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी, डेट, गोल्ड, कहीं कहीं रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट होता है। और डायनेमिक एसेट एलोकेशन ऑफ कोर्स ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। यहाँ भी परफॉर्मेंस देखिए ना, बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न है सारे होराइजंस में। मल्टी एसेट के बेंचमार्क का रिटर्न मुझे नहीं मिला था इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट हाँ यहाँ भी परफॉर्मेंस ठीक है। अभी क्वांट म्यूचुअल फंड का जो हमने परफॉर्मेंस चेक किया, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। नाउ हम क्वांट म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ और डिटेल में जान लेते हैं ताकि हमें ये डिसाइड करने में आसानी होगा कि इस तरह के फंड्स में हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या फिर किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वहाँ पर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप क्वांट म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 वर्ड्स दिख रहे होंगे ना, एक्टिव, एब्सोल्यूट और अनकंस्ट्रेंड। इसका मतलब क्या हुआ? एक्टिव मीन्स ये अपने फंड्स को कुछ ज़्यादा ही एक्टिवली मैनेज करते हैं, इसीलिए अगर आप पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यहाँ पे चेक करेंगे बहुत ज़्यादा होता है इनका, मतलब कि स्टॉक्स का बाय एंड सेल बहुत ज़्यादा करते हैं। एब्सोल्यूट मीन्स इनका एब्सोल्यूट फोकस होता है रिटर्न्स पे, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करना है, कोई भी मार्केट साइकिल हो, कोई भी मार्केट कंडीशन हो, बेंचमार्क के मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है। और अनकंस्ट्रेंड मीन्स किसी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है, सेक्टर वाइज, इन्वेस्टमेंट स्टाइल वाइज कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, इन्हें जहां भी लगेगा कि अच्छे रिटर्न जनरेट हो सकते हैं वहां पे ही अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। नाउ हम जान लेते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स का रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस आया क्यों है। तो देखिए अगर आप क्वांट के रिलेटेड मेरे पास्ट वीडियोस को आपने वॉच किया होगा तो आपको क्लैरिटी मिला होगा। देखिए क्वांट का जो भी रिटर्न आया है वो उस समय आया है जब स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है कोविड के बाद से। तो उस समय क्वांट म्यूचुअल फंड एक बहुत ही छोटा AMC हुआ करता था, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया जब बुल रन स्टार्ट हुआ कोविड के बाद से ना, मेटल स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स, IT और फार्मा, तो खैर सभी ने इन्वेस्टमेंट किया था, इन्होंने भी किया, लेकिन हाँ रिस्क रिलेटिवली इन्होंने ज़्यादा लिया, नथिंग टू लूज ना, बहुत छोटा AMC था, तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेकर इन्होंने रिटर्न्स बहुत ज़्यादा जनरेट किया, ह्यूज। और तब से अभी तक मोस्टली परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इनका, लेकिन इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि मार्केट भी अच्छा रहा है। तो इस तरह के मार्केट में अगर आप ज़्यादा रिस्क भी लेते हैं, क्योंकि जो भी मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादातर अच्छा रहा है, तो 2020 का सेकेंड हाफ देखें, 21 देखें, परफॉर्मेंस अच्छा रहा। 22 में वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर मार्केट्स गिरे लेकिन इंडियन मार्केट नहीं गिरा था, फ्लैट रहा था। 23 में भी परफॉर्मेंस ठीक है, अभी 24 में भी परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। तो ओवरऑल अब मार्केट ही इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने फिलहाल देखा है, ठीक है, अभी मार्केट गिरा नहीं है इधर रीसेंट टाइम्स में, लेकिन लास्ट 1 to 2 मंथ्स में, खासकर अगस्त अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट वोलाटाइल रहा था। क्यों रहा था ना, US में रिसेशन का कुछ लग रहा था, कहीं रिसेशन ना जाए उसके कारण थोड़ा प्रेशर बना, फिर जापान का ना कैरी ट्रेड, इन कैरी ट्रेड का अनवाइंडिंग हुआ उसके कारण थोड़ा बहुत मार्केट वोलाटाइल रहा। तो यहाँ पे इसीलिए इनके जो फंड्स हैं वहाँ कुछ फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया, मार्केट वोलाटाइल रहा था। तो इसीलिए क्वांट के बारे में मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी मार्केट वोलाटाइल रहेगा या फिर जब मार्केट गिरेगा तो उस समय इन फंड्स का परफॉर्मेंस देखना होगा, क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल गिरा नहीं है। जब गिरेगा तो जिस तरह का इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल, उसे देखकर लगता है कि शायद ये फंड्स उस समय ज़्यादा गिरेंगे। और देखिए अगर आप इनका कैश होल्डिंग भी देखेंगे ना, कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि म्यूचुअल फंड कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो पराग पारेक म्यूचुअल फंड कंपनी का कैश होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, 16.1% के आसपास, जुलाई मंथ का मैं बता रहा हूँ। और क्वांट का जून मंथ में 7% के आसपास होल्डिंग था, मतलब टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड का कैश होल्डिंग मैं बता रहा हूँ, एज पर देयर AUM, टोटल AUM में कैश होल्डिंग कितना है इक्विटी म्यूचुअल फंड का।
और जो कि जुलाई में 7% से इनका जून से बढ़कर जुलाई में 14% का कैश हो गया। तो ऑफ कोर्स ये भी फ़र्क पड़ता है ना, अगर आप कैश होल्डिंग बहुत ज़्यादा रखेंगे, मार्केट का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है, तो उसका एक निगेटिव असर आपके फंड्स के परफॉर्मेंस पे पड़ता है। क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अब क्वांट म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा छोटा AMC नहीं रहा, अब ये भी थोड़ा बड़ा AMC हो गया है। तो देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा छोटा होते हैं ना, तो नथिंग टू लूज, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि रिटर्न आएगा तभी इन्वेस्टर आएंगे। तो ये फेज ऑलरेडी ये म्यूचुअल फंड कंपनी क्रॉस कर चुका है ना, काफी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स से, अच्छा खासा AUM भी बढ़ा है। तो मोस्टली जब भी कोई AMC थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसे सेफ्टी भी देखना होता है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रिस्क को नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स आए हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव रिटर्न देंगे, इन्वेस्टर फिर से सारे चले जाएंगे। तो इसीलिए जब कोई AMC थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो सेफ्टी को भी वो ध्यान में रखता है कि एटलीस्ट बहुत ज़्यादा निगेटिव या बहुत ज़्यादा कम रिटर्न जनरेट ना करें, मार्केट के आसपास रिटर्न या मार्केट से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे, ताकि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं एटलीस्ट वो बने रहे। क्वांट म्यूचुअल फंड्स का अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, तो ज़्यादातर स्कीम्स में आपको एक जैसे स्टॉक्स मिलेंगे, मतलब कि पोर्टफोलियो ओवरलैप रिलेटिवली ज़्यादा होता है, और साथ ही आपको काफ़ी सारे मोमेंटम स्टॉक्स भी मिलेंगे। तो ऑफकोर्स जब मार्केट वोलाटाइल होगा या मार्केट गिरेगा, तो यहाँ पे आप अंडर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ एक जो बड़ा रिस्क मुझे लगता है, वो है कि वन मैन शो लगता है यहाँ पे ना, जो यहाँ पे CEO और फाउंडर है मिस्टर संदीप टंडन, तो ऐसा लगता है कि मोस्टली ज़्यादातर जो इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, स्टाइल है, जो कुछ भी है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। ऑल्दो दूसरे फंड मैनेजर्स हैं, लेकिन मोस्टली ये वन मैन शो की तरह लगता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये रिस्क है, और साथ ही फ्रंट रनिंग केस भी आया था कुछ समय पहले, ऑल्दो अभी तक उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं आया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं पता है। ऑफकोर्स जब कुछ पता चलेगा तो मैं अपडेट करूँगा। तो देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड ओवरऑल सारे इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दिया, अब देखिए यहाँ पे रिस्क तो है, मैंने हमेशा बताया है रिलेटिवली रिस्क है यहाँ पे, लेकिन रिटर्न भी ये जनरेट कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि इन चीज़ों को समझता है, तो बिल्कुल उस तरह का इन्वेस्टर तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर ही सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करें, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें, कोई भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लें। सिर्फ क्वांट की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनीज में भी कहीं भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लें, एक्सपोजर को लिमिटेड रखें। क्वांट में ये भी ध्यान में रखें कि एक स्कीम आपके लिए मोस्टली सफिशियंट है, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैप ज़्यादा होता है। और जहाँ तक क्वांट के फंड्स के अंडर परफॉर्मेंस का बात है, तो वो तो कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। किसी भी फंड में 1-3 मंथ्स का अंडर परफॉर्मेंस, सिर्फ क्वांट की बात नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी फंड्स में, वैसे फंड जिनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, वहाँ अगर 1-2 महीने का 3 महीने का अंडर परफॉर्मेंस आए, तो कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, किसी तरह का वैल्यू एडिशन हुआ है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।